अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सनम विद स्टीचिंग में मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और मैं रहम करने वाला है। अच्छा, आज मैं बनाने जा रही हूँ व्यूअर्स साइड पॉकेट्स, जो लेडीज़ आजकल बहुत इन है। लड़कियाँ भी, जो स्कूल वाली बच्ची हैं वो भी लगाती हैं, और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो कपड़े सिलने मेरे पास आते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत शौक से लगवाते हैं कि साइड पॉकेट ज़रूर हो। अच्छा, साइड पॉकेट ये नहीं कि जैसे जेंट्स की होती है सिंपल सी लग जाएगी, नहीं, इस साइड पॉकेट की जो है एक अपनी कटिंग होती है, तो मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम लेंगे, ये वही स्केच है, इसको मैं ड्रॉ करके रख लूँगी और फिर जब भी मुझे कटिंग करना हो मैं इसे उठाऊँगी, ऊपर रखूँगी और कटिंग कर लूँगी। ये मैं बात आपको बार बार बताती हूँ। ये देखें, हमें जो उसकी विड्थ है जेब की वो 6 इंच चाहिए और 1 इंच या हमें 1/2 इंच दोनों साइडों से चाहिए, 7 इंच हम टोटल इसका लेंगे, और इसकी जो विड्थ होगी वो हमें 12 इंच चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, 6 इंच खुली रखूंगी मैं इसकी चौड़ाई, और 6 इंच मैंने उधर से इसकी लेंथ रख ली है। यहाँ से हम इसको शेप देना शुरू करेंगे। इसी को हम सही तरह से पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे पेंसिल के साथ ड्रॉ करके रख लिया है। ये देखें, इसको मैं अब इसी ड्रॉ के ऊपर से, जिसके मैंने निशान लगाया, इसी के ऊपर से कटिंग कर लूँगी। इसको हम ये देखिए रिवर्स, ठीक है, ये इस तरह से लगेगी। यहाँ से 1/2 इंच जो है इसको हम फोल्ड कर देते हैं इस तरह से करके, ठीक है। यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से 1/2 इंच, ये इसका सिलाई में जाएगा, ये इसकी शेप है। इसको ऐसे शर्ट के साथ जोड़ना है, यहाँ से ये जुड़ेगी और ये इसकी शेप है। शेप इसकी इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन ये सेव ज़्यादा सेव है, क्यों, इसमें से मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज़ फिर आपकी गिरेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती न्यू बिगनर्स बहनों को, या मेरी वो सिस्टर जो भी नई नई सीख रही हैं, कोई समझ नहीं आती, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी और आपको गाइड कर सकूंगी।